ये थी हेडलाइंस और अब शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़े खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल की सालाना बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत में अधिक से अधिक निवेश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का महत्व बाजार से अधिक है, यहाँ प्रतिभाओं का अपार भंडार है और इन प्रतिभाओं को उद्यमिता के बारे में अमेरिका से सीख लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत काउंसिल बैठक में भारत और अमेरिका के सीईओ को संबोधित किया और खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत केवल निवेश का ही केंद्र नहीं बल्कि यहाँ बहुत कुछ करने के लिए है। इंडिया इज मच मोर देन ए मार्केट, इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर, अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल टैलेंट, अ क्रूसिबल ऑफ डेवलपमेंट आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट्स, एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी आरएनडी, एंड ए टेस्टिमनी दैट डेमोक्रेसी एंड रैपिड ग्रोथ कैन गो कोएग्जिस्ट। एज इंडिया एम्बार्क्स ऑन ए न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट, इट नीड्स टू लर्न मच फ्रॉम अमेरिकाज ट्रेडिशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर जोर दिया और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधारों का भी जिक्र किया। पीएम ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए तमाम प्रयासों का भी उल्लेख किया। सिंस वी टूक ऑफिस, इन्फ्लेशन, द फिस्कल डेफिसिट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट हैव ऑल फॉलन। जीडीपी ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हैव ऑल इंक्रीज्ड। वी हैव पुट मोस्ट सेक्टर्स ऑन ऑटोमेटिक अप्रूवल एंड ओपन अप सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड रेलवे टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। The long pending insurance law reform was successfully passed. Several insurance companies, including American companies, have already enhanced their investment in the insurance sector. We have taken major steps to increase the ease of doing business. We have brought more than 200 million people into the banking system through the financial inclusion program called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. PM ने माना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसके लिए भारत निवेश और विकास का एक अहम मुकाम बनकर उभरा है। When the world needs new engines of growth, from the point of view of the world's oldest democracy, obviously, it would be nice if the new engines are democratic engines. I'm happy to tell you that today India is poised to contribute as a new engine of global growth. एनर्जी का मसला हो या भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने की कवायद, प्रधानमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है कि अमेरिका से 45 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश का आश्वासन इस बैठक में मिला। वॉशिंगटन से ऋतु वर्मा के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।